क्या गॉडलाइक या कोई और टीम बीजीएमएस से बाहर हो गई, क्योंकि कल बहुत सारी टीम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई सुपर वीकेंड के लिए। आप लोगों को पता होगा कल सब जो लीग वीक था वो खत्म हो चुका है, जिसमें गॉडलाइक सेकंड लीग 17 नंबर में थी जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाई, फिर रेवेनेंट थी, एनडीटी, वीएलटी और भी कुछ टीम्स थी। तो जो टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो लोग का सफर खत्म हो गया, बीजीएमएस से बाहर हो गए, तो ऐसा नहीं है भाई। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, फिर बता देता हूँ कि यहाँ पे जो भी टीम्स अभी खेल रही है, अभी कोई भी टीम्स एलिमिनेट हुई है सिर्फ एक राउंड के लिए, मतलब आज से 3 मैच होगा सुपर वीकेंड जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसका पॉइंट्स ऐड होगा, तो वो 3 दिन चलेगा, आज, कल और परसों, जिसमें जो भी टीम्स क्वालिफाई की है टॉप 16 टीम्स वो खेलेगी। फिर उसके बाद मतलब 3 दिन के बाद फिर से स्टार्ट होगा लीग वीक, जैसे अभी 4 दिन चला था लीग वीक जिसमें 24 टीम्स खेली थी, तो सेम 3 दिन के बाद फिर से लीग वीक 2 चलेगा जिसमें 24 टीम्स, सभी टीम्स वापस से खेलेगी और उसमें फिर से टॉप 16 टीम्स क्वालिफाई करेगी सुपर वीकेंड 2 के लिए। तो यहाँ पे भाई अभी कोई भी टीम बीजीएमएस से बाहर नहीं हुई है, सबको मौका मिलेगा। तो भाई यहाँ पे अगर आप लोगों को डिटेल में समझना है तो यहाँ पे सरदार जी बताते हैं, यहाँ पे सुन सकते हो। लॉन्च वीक में तो खेल गई तो पॉइंट्स ऐड हो गए, सुपर वीक 1 नहीं खेल पाए नहीं ऐड होंगे, सुपर वीक 2 आना बाकी है, उसके लिए अभी 3 दिन के बाद, 3 दिन जो मैचेस होंगे वो इनके होंगे, वीक 2 शुरू होगा, ठीक है। वीक 2 के अंदर 24 टीम्स वापस खेलेंगी, इन 24 टीमों में जो टॉप 16 टीमें होंगी वो वापस से, जैसे अभी सुपर वीक 1 होगा ना शुरुआत से, वैसे ही सुपर वीक 2 होगा वो खेलेंगी। सुपर वीक 2 इसमें अगर टॉप 16 में गॉल्ड आती है तो गॉल्ड यहां पे खेल सकती है और गॉल्ड के पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। लॉन्च वीक प्लस सुपर वीक 1 प्लस सुपर वीक 2 है, तो अगर सिर्फ सुपर वीक में बहुत अच्छा खेल गए जो कि पॉसिबल नहीं, अगर वर्ल्ड बोलो तुम 41 पॉइंट्स है, ठीक है, और यहां पे पॉइंट्स नहीं आ रहे, यहां पे मान लो क्वालिफाई हो गए, मैं ये ओवरऑल स्टैंडिंग, ओवरऑल उसमें बॉटम 4 नहीं होने चाहिए, टॉप 4 हो गए तो ग्रैंड्स, अगर बॉटम 4 हो गए तो होम, बैक टू होम, बॉटम 4 बस नहीं हो रहा, बीच के 16 में रहेंगे तो प्लेऑफ्स खेलने का मौका मिल जाएगा, इनको मौका मिल जाएगा प्लेऑफ्स खेलने का। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आप लोगों को दोबारा समझाता हूं, तो आज से स्टार्ट होगा सुपर वीकेंड 1 जिसमें 16 टीम्स खेलेगी जो क्वालिफाई की, फिर 3 दिन के बाद लीग वीक 2 स्टार्ट होगा जिसमें 24 टीम्स खेलेगी, उसका 16 टीम्स जो होगी टॉप 16 वो खेलेगी सुपर वीकेंड 2, तो उसमें गॉडलाइक को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अगर उसमें भी क्वालिफाई नहीं कर पाई तब बोल सकते हो कि हाँ बीजीएमएस से बाहर हो जाएगी, अब उसमें तो मे बी क्वालिफाई आप जो भी होगा तो उसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो फिर से 3 दिन का सुपर वीकेंड 2 चलेगा, टॉप 16 टीम्स खेलेगी और फिर जो यहाँ पे स्टार्टिंग में हुआ था बीजीएमएस का, स्टार्टिंग में लॉन्च वीक हुआ था उसका पॉइंट्स, सुपर वीकेंड 1 जो कि आज से स्टार्ट होगा उसका पॉइंट्स और सुपर वीकेंड 2, ये तीनों का टोटल पॉइंट्स ऐड होगा और उसमें टॉप 4 टीम्स जो होगी वो क्वालिफाई कर देगी डायरेक्ट फाइनल्स के लिए, बॉटम 4 टीम्स जो होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी बीजीएमएस से, मतलब बीजीएमएस से बाहर। तो इसीलिए अगर गॉडलाइक को परफॉर्म करना है, मतलब क्वालिफाई भी करना है, तो वो लोग को सुपर वीकेंड 2 तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा कोई भी हालत में, और उसमें क्वालिफाई कर देंगे तो सुपर वीकेंड 2 खेलेंगे जिसमें पॉइंट्स वो लोग कलेक्ट कर पाएंगे, जमा हो पाए, मतलब ऐड हो जाएगा और फिर वो लोग आराम से टॉप बॉटम 4 में तो नहीं आएंगे, क्योंकि बॉटम 4 में जो भी टीम्स आएगी ओवरऑल के बाद वो एलिमिनेट हो जाएगी, और फिर जो बीच का 16 टीम्स बचेगी उसमें मैचेस होगा और 12 टीम्स जो टॉप 12 होगी टॉप 16 में वो क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल्स के लिए। तो इस तरह का फॉर्मेट है भाई, तो अगर आप लोग फिर भी समझ नहीं आए तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लो या फिर छोड़ दो, बस इतना ध्यान रखो कि गॉडलाइक एलिमिनेट नहीं हुई है या फिर कोई भी टीम अभी एलिमिनेट नहीं हुई है, एलिमिनेट भाई बहुत टाइम के बाद होगा, मतलब अभी सुपर वीकेंड चलेगा, लीग वीक होगा, फिर से सुपर वीकेंड होगा, तब तक भाई टाइम है, तो इंजॉय करो, मैसेज देखो, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।